गाइस, क्या आपको पता है कि ब्लैक होल जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की खगोलीय वस्तु है, जिसके खिंचाव से प्रकाश तो क्या कोई भी चीज नहीं बच सकती अगर उसकी सीमा में आ जाए तो। उससे भी मजे की बात यह है कि कोई भी चीज उसमें गिर तो सकती है लेकिन वापस कभी नहीं आ सकती। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप कभी ब्लैक होल में गिर गए तो आप इस पूरे यूनिवर्स की बिगनिंग और एंडिंग दोनों देख पाओगे। गाइस, ये अमेजिंग साइंस का फैक्ट आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उबलता हुआ लावा किसी भी चीज को पिघला सकता है, नहीं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक लिक्विड ऐसा भी है जो कि लावा के कांटेक्ट में आते ही फ्रीज हो जाता है? यानी कि इतने हॉट लावा के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। उस लिक्विड का नाम है टंगस्टन। अब ये क्यों होता है जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टंगस्टन लिक्विड का टेम्परेचर 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लावा का टेम्परेचर मात्र 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी कि टंगस्टन लिक्विड लगभग 3 से 5 गुना गर्म है लावा से। अब जब भी कोई गर्म चीज ठंडी चीज के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो अपने आप को ठंडा करने लगती है एनर्जी एक्सचेंज की वजह से, और इसी वजह से टंगस्टन लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। गाइज, आपको ये अमेजिंग साइंस फैक्ट जान के कैसा लगा? इंसान ने आज तक कितना गहरा गड्ढा खोदा होगा क्या आप जानते हैं? नहीं, अपने लिए नहीं, धरती के नीचे की बात कर रहा हूँ। चलिए आज ये भी जान लेते हैं। इंसान द्वारा आज तक खोदे गए सबसे गहरे गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल, जिसे 1965 में रशिया द्वारा खोदा गया था क्योंकि वो धरती में छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहते थे। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है, लेकिन इससे ज्यादा वो खोद ही नहीं पाए क्योंकि हर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, और 12 किलोमीटर तक जाते जाते टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मशीनों ने काम ही करना बंद कर दिया था। इससे भी रहस्यमय बात यह है कि 1995 में रशिया ने इस होल को पूरी तरीके से सील कर दिया था और अब वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और सन यानी कि सूर्य का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस के करीब है। यह इतना गर्म है कि इसकी गर्मी 150 मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ तक पहुंचती है और हमें इसकी गर्मी महसूस भी होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह सन जिस स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के सेंटर में मौजूद है वो स्पेस खुद ठंडा है। अब यह कैसे हो सकता है कि सन जिसकी गर्मी 150 मिलियन किलोमीटर दूर तक पहुंचती हो, वो सन जिस स्पेस में मौजूद हो वो ठंडा है? इसकी एक सिंपल सी वजह है, क्योंकि स्पेस यानी अंतरिक्ष में सन की गर्मी को एब्जॉर्ब करने वाली कोई भी चीज यानी कि मैटर है ही नहीं, इसी वजह से अंतरिक्ष ठंडा है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। जिंदगी में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट जानना बेहद जरूरी है, जैसे कि नंबर 1, किसी व्यक्ति को अगर आप ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। दूसरा, यदि आप डिप्रेशन और टेंशन में हैं और आप उसे तुरंत खत्म करना चाहते हैं तो अपने कमरे की पूरी सफाई कर डालो। ऐसा करने से आपके दिमाग में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होगा और आपको खुशी का एहसास होगा। और तीसरा, नकारात्मक सोच रखने से आप बहुत जल्दी मानसिक और फिर शारीरिक तौर पे बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को, नकारात्मक सोच को तुरंत कचरे में डाल दो। गाइस, ये अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।